भाई तुम नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेना चाहते हो ना? रुको, जरा सब्र करो। मुझे पता है रिवोल्ट आरवी 400 ऑलरेडी अवेलेबल है, साइबॉक की जीटी अवेलेबल है, जॉय की कुछ तो भी ई बाइक अवेलेबल है। बट गाइज, ये आपने सुना है स्विच मोटोकॉप प्राइवेट लिमिटेड की बहुत ही तगड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जुलाई 2022 या अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाली है। और अगर आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो ये बेस्ट कंपटीटर होने वाली है रिवोल्ट आरवी 400 का। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि क्या है स्विच CSR 762, जो बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना। गाइस, बहुत ही जल्दी 20,000 करने हैं, बहुत ही छोटे सेटअप में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस गाइस, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो बहुत सारे हैं, हीरो है, बजाज है, एथर है, ओला है, और उसके बाद में बहुत सारे हैं, बट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है बहुत कम है। और अभी नया मोटरसाइकिल मार्केट में आने वाला है जो स्विच कंपनी का है, SVITCH। गाइस, ऑन ऑफ करते ना वो स्विच नहीं है, सप्लाई देना और बंद करना वो स्विच नहीं है, ये SVITCH स्विच है। और इनका जो कंपनी का नाम है स्विच मोटोकॉप प्राइवेट लिमिटेड, हीरो मोटोकॉप सबको पता है, स्विच मोटोकॉप ये नया नया लग रहा है मुझे। और इनका जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आने वाला है उसका नाम है CSR 762, जो ऐसा बोला जा रहा है कि जुलाई या अगस्त 2022 में लॉन्च हो जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने 2021 में नवंबर में उसका सॉफ्ट लॉन्चिंग किया था, पूरा डिटेल लॉन्चिंग नहीं किया था। बहुत ही जबरदस्त दिखने वाला ये जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, यह ऐसा बोला जा रहा है कि यंग बाइकिंग एंथुजियास्ट के लिए होगा। अगर आप एक यंग टीनेज बंदे हो या आपका एज जो है 18 प्लस है और उसके बाद में आपका एज 18 टू 30 के बीच में है, तो बहुत ही जबरदस्त ये मोटरसाइकिल आपके लिए होने वाला है। इसमें क्या होगा गाइस, 3 किलोवाट की मोटर होगी जिसका ये नॉमिनल पावर है, और इसका पीक पावर अचीव होगा वो 10 किलोवाट तक हो सकता है, जो मिलेगा आपको 1300 RPM पे। RPM क्या होता है? रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो गाइस, 10 किलोवाट बहुत ही तगड़ा मोटर पावर हो गया। और आपको पता है जो ओला है उसका 8.5 किलोवाट पीक पावर है, जो सिंपल वन है उसका भी 8.5 किलोवाट का पिक पावर है, बट ये मोटरसाइकिल में सबसे ज्यादा पिक पावर होने वाला मोटरसाइकिल होने वाला है। और इसमें जो मोटर रहेगी वो PMSM मोटर होगी। PMSM मतलब क्या? परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये एसी मोटर होती है, ये BLDC मोटर नहीं होती है। BLDC मोटर आपके पहिए में बैठती है। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स है उसमें PMSM मोटर नहीं होती, तो BLDC मोटर होती है। बट जो परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं या परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है उसमें मोटर होती है PMSM। जैसे आपको मिल जाएगी ये एथर में, मिल जाएगी आपको बजाज में, मिल जाएगी आपको ओला में, मिल जाएगी। तो इसमें PMSM मोटर होती है और ये सेंट्रल ड्राइव होगी, मतलब इसको शायद चेन या बेन, और ये सेंट्रल ड्राइव होगी। उसके बाद में गाइस बैटरी की बात करें, मोटर तो सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट बैटरी को जो मोटर को जो एनर्जी देता है वो है बैटरी। तो इसमें लिथियम आयन की NMC केमिस्ट्री वाली बैटरी होगी, दैट इज निकेल मैंगनीज कोबाल्ट, जिसके साइकिल्स है करीबन 800 to 1000 साइकिल्स होते हैं। और इसमें जो थर्मल रनअवे होता है वो 150 डिग्री के बाद होता है। तो गाइस, इनको एक बार सोचना पड़ेगा कि इनको NMC के साथ आगे जाना है या LFP बैटरी लेना है, बिकॉज LFP इंडियन कंडीशंस के लिए अच्छी है। LFP का जो थर्मल रनअवे है वो 250 डिग्री के बाद में होता है। उसका जो लाइफ है वो करीबन 1500 से 2000 साइकिल्स का लाइफ होता है। एक साइकिल मतलब एक बार चार्ज करना और डिस्चार्ज करना। तो मुझे लगता है इन्होंने सोचना चाहिए एक बार कि आपने LFP लेनी चाहिए। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो 3.7 किलोवाट आवर्स की होगी। और इनका आगे जाके सोचना है कि ये स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस के साथ आएंगे, जैसा अभी बाउंस इन्फिनिटी E1 ने किया है कि खुद के स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस के साथ वो मार्केट में आ रहे हैं। तो इनके स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस हो गए 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी, मतलब करीबन इसको चार्ज करने में आपको 4 यूनिट्स मैक्स टू मैक्स लग जाएंगे। अगर एक यूनिट हम ज्यादा ही कंसिडर करें, 10 रुपया कॉस्ट करता है, तो 40 रुपए में फुल चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिक बाइक। और ये 40 किलोमीटर में जब फुल चार्ज हो जाएगी तो आपको रेंज देगी 120 किलोमीटर। बहुत ही जबरदस्त रेंज है, 40 रुपए में 120 किलोमीटर इको मोड में अगर आप इसको चलाते हो। तो गाइज,
आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लो, मोटरसाइकिल लो या फोर व्हीलर लो, अगर आप वो रश ड्राइविंग करोगे तो वो आपकी जो बैटरी है वो जल्दी एज होगी, उससे करंट ज्यादा ड्रॉ होगा, क्योंकि अगर आप पावरफुल एक्सेलरेशन दे रहे हो या टॉर्क दे रहे हो तो मोटर ज्यादा करंट खींचेगा बैटरी से, तो जल्दी ज्यादा डिस्चार्ज होगी, मतलब रेंज कम मिलेगा। तो मुझे आपको सबको एक एडवाइस देना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक, मोटरसाइकिल या इवन फोर व्हीलर ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको इको मोड में चलाओ। ये फास्ट चलाने की जरूरत नहीं है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी उसको टाइम लगेगा। उसमें क्या होगा कि बैटरी के साथ अल्ट्रा कैपेसिटर भी होगा, तो कैपेसिटर फास्ट चार्ज या डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाएगा। जब एक्सेलरेशन है तब कैपेसिटर यूज होगा, और नॉर्मल ड्राइविंग मोड्स के लिए बैटरी यूज होगी, बट वो कंडीशन अभी तक आनी है। तो आगे जाते हैं, तो रेंज तो बोल दिया मैंने 120 किलोमीटर का, और टॉप स्पीड जो होगा 110 kmph। गाइस बहुत ही जबरदस्त टॉप स्पीड है, 120 किलोमीटर की रेंज, 110 kmph का टॉप स्पीड इसका हो सकता है। और उसके बाद में इसका जो कर्व वेट है 155 किलोग्राम्स का है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी लगभग 200 किलोग्राम्स की है। तो बहुत ही जबरदस्त ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो बहुत ही जबरदस्त ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसका कर्व वेट भी बहुत ज्यादा है। और देखा जाए तो लोड कैरिंग कैपेसिटी 200 केजी बहुत हो गया, तो आप इसके ऊपर सिलेंडर भी लेके जा सकते हो। लेके जाना नहीं चाहिए बिल्कुल, मुझे पता है, बट मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि दो बंदे आप बैठे हो तो साथ में बहुत सारा सामान भी आप लेके जा सकते हो। तो गाइस आगे देखे जाए तो इसमें मोड्स क्या होंगे, तो तीन मोड्स हो सकते हैं, उसके साथ में एक रिवर्स मोड भी आएगा और एक पार्किंग मोड भी आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जो प्राइस है मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस है। इसका सीधा कंपैरिजन आप रिवोल्ट आरवी 400 का साथ कर सकते हो, तो इसकी प्राइस बोली जा रही है करीबन हो सकती है 1.25 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंक्लूडिंग सब्सिडी, करीबन 45,000 की सब्सिडी मिल जाती है। तो इसकी एक्चुअल प्राइस करीबन 1,70,000 के आसपास होगी, बट आपकी सब्सिडी पकड़ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो करीबन 1.25 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस होगी। तो गाइस एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवेयरनेस क्रिएट हो। आप ये वीडियो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि एक्चुअल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।